नमस्कार, मैं नीलम सिंह स्वाद खजाना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी कटहल का स्टू, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। कटहल का स्टू बनाने के लिए हम 1/2 kg कटहल लिए हैं और इसको छील के पतले पतले साइज में काट लिए हैं, और 200 ग्राम प्याज है इसे हम चॉप करके काट लिए हैं, और 150 ग्राम टमाटर है इसे भी हम काट लिए हैं, और 1 गोटा लहसुन है इसे भी हम चॉप करके काट लिए हैं, और हरी मिर्च है 4 इसे भी काट लिए हैं, और अदरक है 1 इंच इसे हम कद्दूकस कर लिए हैं। मसाले में हम 1/2 चम्मच जीरा और गोलमरीच लिए हैं, और 1 चम्मच लाल मिर्च लिए हैं, और 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर लिए हैं, और 3 चम्मच हम धनिया पाउडर लेंगे, और 1/2 चम्मच गरम मसाला लेंगे, और तेल लेंगे सरसों तेल, स्वाद अनुसार नमक लेंगे। हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और गैस को ऑन कर देंगे, और इसमें हम 1/2 कप तेल डालेंगे सरसों तेल। स्टू बनाने के लिए सरसों तेल थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है। तेल अब गर्म हो गया है, इसमें हम तेजपत्ता को डाल देंगे और 1 लाल मिर्च डालेंगे, और चुटकी भर जीरा है इसे भी हम डाल देंगे। जीरा अब चटक गया है, इसमें हम थोड़ा सा प्याज लेंगे और इसे हम ब्राउन कर लेंगे फ्राई करके। प्याज अब ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें कटहल को डाल देंगे। इसे हम 3 मिनट तक भूनेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम में ही रखेंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर से चलाते रहेंगे। अब 3 मिनट पूरे हो चुके हैं, इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम इसमें प्याज को डाल देंगे और टमाटर को भी डाल देंगे, और लहसुन आदा हरी मिर्च ये सब को डालेंगे, और इसे एक बार चला लेंगे। अब हम सारे मसाले को भी डाल देंगे, और ये गरम मसाला है इसे भी डाल देंगे। नमक को भी डाल दिए हैं और इसे हम चला देंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मसाले को हम खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसमें अब हम 1 कटोरी पानी डाल देंगे, और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पानी के साथ। अब हम ढक्कन को लगा देंगे प्रेशर कुकर के ढक्कन को, और गैस को हम मीडियम में रखेंगे, और 2 सीटी आने तक हम इसे कुक करेंगे। अब 2 सीटी आ चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर के ढक्कन को हटाएंगे। स्टू का बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, इसका कारण ये है कि हम मसाले को फ्राई नहीं करते हैं। ये बनके तैयार है, इसे अब हम सर्व करेंगे। हमारा कटहल का स्टू बनके तैयार है, बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट था तो मैंने आज ये वीडियो उनके लिए स्पेशल बनाया है। जैसा कि आपने देखा कि इसे बनाना बहुत ही आसान है,
तो आप भी इसे बनाएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।